आज दशहरा पूजा का अंतिम दिन है। आज दोपहर बाद पहाड़ों पर बसने वाले आदिम जनजाति समुदाय के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर पूजन करने उतरते थे। झुंड में महिला और पुरुष पंडाल पंडाल घूमकर नाचते गाते और प्रसाद ग्रहण कर आगे की तरफ बढ़ जाते। अब दशहरा पर्व पर इन लोगों को नहीं के बराबर देखा जा रहा है। छीट फूट की संख्या में लोग आते हैं और चले जाते हैं। अब इनका स्वरूप भी बदल गया है। पिटकी समुदाय विशुद्ध रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी पर्व को अपनाते हैं और पूजन करते थे। सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव हुआ है। गरीबी भूखमरी और हालात से समझौता कर लोग अब ईसाई धर्म अपना रहे हैं। अच्छी शिक्षा और तमाम सुविधा देने के नाम पर इन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यही वजह है कि पहाड़िया समुदाय की संख्या भी कम होती जा रही है। और प्रोफेसर रंजीत सिंह ने कहा कि पहला धर्म परिवर्तन और आज के युवक युवतियाँ पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगे हैं। अब जीन्स टी शर्ट और बाल कटवा कर रखने लगे, नौकरी के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। अब यही रुचि नहीं ले रहे हैं, अब इनका शोषण असामाजिक तत्वों से पीड़ित हो रहे हैं। मेले में यह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि आदिवासी सभ्यता धूमिल होती जा रही है। हमारी पूजा पद्धति है, उसके जानने समझने का भी उन लोगों को मौका मिलता है। वो पूरे परिवार के साथ साल में एक बार जरूर पहाड़ से नीचे उतर कर शहर में अपने मेला देखने लोग आते थे। लेकिन कुछ वर्षों से देखा जाता है, कुछ विगत वर्षों से, कि वो उसमें कमी आई है। और उसका कहीं ना कहीं कारण जो है वह कि कुछ आयोजन कुछ संगठन के द्वारा या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यह चाहते हैं कि वह नीचे नहीं आए, उसके लिए ऊपर में ही जो पहाड़ पे ही कुछ ऐसी खेल आयोजन, जानते कि हम पहाड़िया और हमारे संताल आदिवासी भाई फुटबॉल के प्रेमी होते हैं, तो उसको इस तरह से उसको एक वहाँ पे बड़ा आयोजन किया जाता है ताकि वो लोग नीचे नहीं आए। उस वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि कोरोना संकट में 2 साल से जो आर्थिक मंदी हुआ उसका भी कारण है। तीसरा जो कारण है कि हम शिक्षा और निर्धनता जो गरीबी है उसका कहीं कहीं मार आज झेल रहे हैं, वह भी एक कारण है। तीसरा है सोशल मीडिया, क्योंकि आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है वह भ्रमित करता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हम प्रकृति पुजारी हैं, ये सारे विषय हैं। बट जो हमारा जो एक कहा जाए तो संस्कृति और सभ्यता और परंपरा जो है, हमारा जो अपनी पहचान है, वह कहीं ना कहीं उस पर प्रहार करने की प्रयास किया जा रहा है ताकि वे अपना पहचान खो दें।